इजरायली सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच गाजा के खान यूनिस में भीषण जंग चल रही है। एक तरफ आईडीएफ गाजा में आसमान और जमीन दोनों मोर्चों पर हमले कर रही है, तो उधर दूसरी तरफ हमास की अलकुद्स और अल कासिम ब्रिगेड गुरिल्ला युद्ध में इजरायली सेना के सैन्य वाहन, टैंक्स, बुलडोजर और सैनिकों को नेस्तो नाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। और इसी को लेकर हमास की सशस्त्र शाखा अल कासिम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने अपने टेलीग्राम चैनल पर हाल के दिनों में किए गए जवाबी हमलों की संख्या के अलावा नष्ट किए गए इजरायली सैन्य वाहन और मारे गए सैनिकों की संख्या के बारे में खुलासा किया है। अबू उबैदा ने कहा कि हाल के दिनों में अल कासिम के लड़ाकों ने 43 सैन्य वाहनों को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट कर दिया। हमारे लड़ाकों ने पुष्टि की है कि 15 जायनी सैनिकों को बिल्कुल नजदीक से मार गिराया गया, एक अधिकारी और एक सैनिक को मार गिराया गया और 17 अलग अलग सैन्य अभियानों में दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए। अल कासिम ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने आगे कहा कि अल कासिम ब्रिगेड लगातार 121वें दिन भी कई मोर्चों पर घुसपैठ कर रही जायोनी ताकतों का सामना कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक 562 अधिकारी और सैनिक मारे गए हैं और 2851 से अधिक अन्य घायल हुए हैं। सैकड़ों वाहनों को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने के अलावा उन्होंने गाजा पट्टी में दुश्मन के ठिकानों और बस्तियों पर बमबारी जारी रखी और घुसपैठ के विभिन्न क्षेत्रों में उनके सैन्य जमावड़े को नष्ट कर दिया। उन्होंने सभी युद्ध केंद्रों पर सैन्य जमावड़ों पर मोर्टार से बमबारी की और तेल अविव और उसके आसपास की ओर तीव्र रॉकेट हमले का निर्देश दिया। उधर हमास की इस्लामिक जिहाद अलकुद्स ब्रिगेड ने कहा कि उसने खान यूनिस में इजरायली सैनिकों पर हमला किया है। अलकुद्स ने कहा कि उसने मध्य गाजा में मघाजी शिविर के पूर्व में इजरायली सैनिकों और वाहनों के एक समूह पर मोर्टार से हमला किया है। उसके बाद अल अमल के पड़ोस में ग्रेड मिसाइलों से इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों के एक अन्य समूह पर बमबारी की है। इससे पहले अलकुद्स ब्रिगेड ने कहा था कि उसने खान यूनिस के आसपास इजरायली सैनिकों और वाहनों के दो अलग अलग समूहों पर हमला किया है। खान यूनिस में इजरायली सेना और हमास के बीच जबरदस्त छिड़ी जंग में हमास के द्वारा दी जा रही टक्कर को देखकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दिया हुआ बयान सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस युद्ध को खत्म होने में महीनों लग सकते हैं।